अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक है डेट्स ऑल इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है जो पहला मेथड था डेट वाज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और उस पर हमने किए थे फिर वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, देयर वर अबाउट 10 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, उन इंटीग्रल्स को कैसे कहाँ किधर यूज़ करना है वो उस पर भी हमने वो किया था, ठीक है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल। क्या अब हमने जो इंटीग्रेशन करनी है वो करनी है पार्शियल फ्रैक्शन से। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जो भी हमने आज तक जितने भी लेक्चर्स हमने 11-12 लेक्चर्स हमने दिए इंटीग्रेशन में, जितने भी टेक्निक्स हमने पढ़े हैं ना, तो वो क्या वो टेक्निक्स भाई हमारे जो आगे वाले क्वेश्चन आने वाले उन टेक्निक से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको जो पता होनी चाहिए कि रैशनल फंक्शन होती क्या है। रैशनल फंक्शन जो है वो क्या होती है, रैशनल फंक्शन मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि हम रैशनल फंक्शन किस फंक्शन को कहते हैं। अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स होंगे, एक एफ ऑफ एक्स और दूसरा होगा मेरे पास जी ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स देन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि डिनोमिनेटर जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, then f of x divided by g of x is known as rational function। इसको हम क्या बोलते हैं फिर, कि ये जो है ये rational function है। क्या कौन सा, मेरे पास एक polynomial होगा f of x, g of x दूसरा polynomial होगा, तो f of x by g of x को हम बोलते हैं क्या, rational function। For example ऐसे होगा मेरे पास ऐसे होगा x plus 1 divided by होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, नो सी सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस प्लस टू, ऐसे होगा। यहाँ पे ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज जी ऑफ एक्स, तो मैं इसको बोलूंगा डेट इट्स अ रैशनल फंक्शन, इट्स अ रैशनल। बट रैशनल फंक्शन जो होती है इसके दो टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा। एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, क्या होता है, एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है, देखो यहां पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम रैशनल फंक्शन किसको बोलेंगे। अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स होगा, एक होगा एफ ऑफ एक्स दूसरा होगा जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो देन एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, इसको हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं प्रॉपर। अब प्रॉपर कब कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, तब हम उस रैशनल फंक्शन को कहेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या कहेंगे, जस्ट लाइक हियर, यहां पे इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, यहां पे डिग्री कितनी है 2, तो न्यूमरेटर वाला आपका एफ ऑफ एक्स है, डिनोमिनेटर वाला आपका जी ऑफ एक्स है। अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ऐसे मैंने न्यूमरेटर यहां पे लिया एफ ऑफ एक्स, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तब हम उस फ्रैक्शन उस रैशनल फंक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या बोलेंगे, जस्ट लाइक हियर, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम इसको कहेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और जब भी आप देखेंगे कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो आप उस प्रॉपर रैशनल फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तब आप उसको सीधे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे विदाउट एनी क्या नाम है डिफिकल्टी, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बाय यूजिंग व्हाट पार्शियल फ्रैक्शंस। बट
जो कॉम्प्लिकेसी है वो यहाँ पे आती है, दैट इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता क्या है. अब वो तो आपको समझ में आया होगा क्या होगा. इफ डिग्री ऑफ व्हाट, इफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू भी है और ग्रेटर भी है, ठीक है, इज ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स. अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा न्यूमरेटर, ठीक है, इज ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर. अगर इस तरीके से होगा दैट डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर ऐसा भी केस होगा, यहां पे डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स है यानी कि डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है दैट्स इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यहां पे इक्वलिटी का भी साइन है, तब हम उस प्रॉप इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. और जब भी आप देखेंगे कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तब आप उस पे यूज नहीं कर पाएंगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शंस. जो पार्शियल फ्रैक्शंस है इंटीग्रेशन पे पार्शियल फ्रैक्शंस, वो आप फिर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है. अब क्वेश्चन अराइजेस हियर, अगर मेरे पास यही क्वेश्चन होगा मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप इंटीग्रेट करो, इसको आप क्या करेंगे, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे डिनोमिनेटर को, देखेंगे क्या उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, नहीं है. फिर आप कहां पे जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का आपके पास आएगा कॉन्सेप्ट, तो आप देखेंगे इट्स अ रैशनल फंक्शन, इट्स अ रैशनल न्यूमरेटर, इट्स अ पॉलीनोमियल अपॉन पॉलीनोमियल, इट्स अ रैशनल फंक्शन. फिर आपको याद आएगा कि रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, दो टाइप्स, वन इज व्हाट, प्रॉपर रैशनल फंक्शन. जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है उसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, वो केस यहां पे नहीं है. यहां पे कौन सा केस है, दैट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है. तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. क्या कहेंगे, जब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर पाएंगे. फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो ये आपको समझ आया होगा कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या चीज होती है. नो सी हियर, मैंने आपको कहा था अगर मेरे पास ऐसे क्वेश्चन होगा, चलो मैं जो मैंने भी एग्जाम्पल दी मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले अगर मैं आपको बोलूंगा इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है, इस इंटीग्रेट को आपने सॉल्व करना है, इफ आई एम गिविंग यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे होगा यही जो मैंने आपको दिया था, या ऐसे होगा, हियर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मैंने यहां पे चार क्वेश्चंस आपको दिए और मैं अगर आपको बोलूंगा कि भाई आपने इनको सॉल्व करने हैं, आपको इनको क्या करना है सॉल्व, आप क्या करेंगे. आप यहां पे सबसे पहले क्या देखेंगे, सॉरी I will write here x plus 2, ठीक है, मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करेंगे, आप क्या देखेंगे, इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इज इट, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज व्हाट लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है. तो क्या आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करने से पहले आप अपने डिनोमिनेटर को देखेंगे, क्या देखेंगे, फिर देखेंगे क्या इस डिनोमिनेटर की जो ऊपर फंक्शन है हमारे पास न्यूमरेटर में कहीं है, इसकी तो डिफरेंशिएशन तो नहीं है. देखो एक्स स्क्वायर की आएगी 2x, x की आएगी 1, माइनस 2 की होगी 0, यानी कि जो नीचे फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि ये ऐसा केस है f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx वाला केस है. और हमें पता है ये होता है log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c, इसकी डिफरेंशिएशन ये. तो आप डायरेक्टली इसको ले सकते हैं, नीचे फंक्शन है ऊपर इसकी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, आप डायरेक्ट लेंगे इट्स अ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस द इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास. बट व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन हियर,
यहां पे जब आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर टू पे, ऊपर क्या है? शाबाश, ऊपर जो है पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल है। चलो, जो हमने अभी तक जितने भी टेक्निक्स पढ़े हैं, हमने पढ़ा था एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पढ़ा था, लेकिन ये लीनियर ऊपर तो लीनियर है लेकिन नीचे क्वाड्रेटिक नहीं है। नीचे क्या एक्स एक्स एक्स, ये बनेगा एक्स क्यूब, तो ये बन रहा है लीनियर अपॉन द क्यूबिक इक्वेशन। ऐसा हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं, जितनी भी आज तक हमारे पास टेक्निक्स है उनको हमने पढ़ा ही नहीं। या आप इसको ऐसे देखेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है कहीं उसकी डिफरेंशिएशन तो ऊपर प्रेजेंट नहीं है, वो भी दूर तक नहीं है, क्योंकि पहले आप देखेंगे इज एक्स क्यूब, एक्स क्यूब क्या आएगी थ्री एक्स स्क्वायर एंड दैट्स मिसिंग इन द न्यूमरेटर, दैट्स मिसिंग इन द, तो इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर एक तो प्रेजेंट भी नहीं है। नहीं, ये वाला केस है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, बिकॉज इट इज लीनियर अपॉन व्हाट द क्यूबिक इक्वेशन। हमने वो केस हमने अभी तक पढ़ाई नहीं, तो इसका मतलब यह हो गया कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जितने भी हमने अभी तक टेक्निक्स पढ़े हैं, उन टेक्निक्स से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? तो इसको रहने दो आप थोड़ी देर के लिए। सेकंड, जो अभी मैंने बोला इस क्वेश्चन को आप, मैं बोलूंगा सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि कहीं डिनोमिनेटर जो नीचे फंक्शन है कहीं उसकी डिफरेंशिएशन तो ऊपर प्रेजेंट है तो नहीं है, वो भी नहीं है। ठीक है, इसकी आएगी 2x, वो तो है ही नहीं, ऊपर भी एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर आप जाएंगे किस पे, रैशनल फंक्शन पे। ठीक है, अब आप बोलेंगे इट्स अ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ये बन गया क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ऐसा भी केस हमारे पास अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। फिर आप जाएंगे कहां पे, रैशनल फंक्शन के, इट्स अ व्हाट इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, जो मैंने अभी कहा था द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तब ऐसा क्या होगा जब इम्प्रॉपर रैशनल, देखो यहां पे जो क्वेश्चन है मैं दोनों को डिस्कस एक साथ करूंगा, यहां पे भी जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर दैट्स ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इज इट इट, यहां पे 3 है यहां पे 2 है, तो आप इसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब फंक्शन नीचे है उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो आप लेते वैसा वाला केस एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, वो केस भी नहीं है। तो यहां पे ये क्या है, इट्स एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये दोनों केसेस क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, दे आर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अगर आप इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन देखेंगे ना, तो आप डायरेक्टली उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करेंगे, आपको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को पहले प्रॉपर फंक्शन में लाना पड़ेगा। किसमें लाना पड़ेगा, प्रॉपर। जब आप प्रॉपर फंक्शन में लाएंगे तब आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, तब आप पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन फिर यूज करके आपका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, नसी अब कैसे कहलाएंगे इसको, इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इसको किस में लाना है, इसको हमने लाना है प्रॉपर में। वो कैसे लाएंगे, वो आप लाएंगे लॉन्ग डिवीजन से। कैसे लाएंगे, जिसको आप बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको आप क्या बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि आपको इसको लॉन्ग डिवीजन से इसको लाना पड़ेगा। अब लॉन्ग डिवीजन क्या होता है, जो आपके पास न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर माइनस वन, उसको डिवाइड करो एक्स स्क्वायर प्लस वन से। तो मैं यहां पे करना चाहूंगा इसको वन से, एक्स स्क्वायर इंटू वन इज एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस वन, तो यह आएगा प्लस वन। ठीक है, दिस इज नेगेटिव साइन, दिस इज नेगेटिव साइन, ये और ये कैंसल, माइनस वन इज माइनस टू, माइनस वन इज माइनस। तो आप इस इंटेग्रल को, मैं इसको रब करना चाहूंगा, सॉरी देयर वाज एक्स स्क्वायर प्लस वन, अपने पास जो ये इंटेग्रल था एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, जब मैंने लॉन्ग डिवीजन किया तो आप इसको फिर इस इंटेग्रल को ऐसे लिखेंगे, इंटेग्रल ऑफ, जो आपके पास कोशेंट आ गया, क्या लिखेंगे कोशेंट, व्हाट्स द कोशेंट हियर, वन, फिर लिखेंगे प्लस जो रिमाइंडर आता है, क्या आता है, डिवाइडेड बाई जो डिवाइजर होता है। ठीक है, जो क्या होता है, व्हाट्स द कोशेंट हियर वन, तो लिखेंगे वन, फिर प्लस प्लस, फिर क्या आता है, फिर आता है रिमाइंडर, बट रिमाइंडर आ गया माइनस टू, तो यहां पे प्लस माइनस माइनस टू आएगा, तो यह आएगा माइनस टू अपॉन जिसे हम डिवाइड करते हैं डेक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स।
अब इसकी इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं, 1 इंटू डी एक्स तो आएगा डी एक्स माइनस टू बाहर, या आएगा इंटेग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, अलग अलग मैंने लिया तो 1 इंटू डी एक्स अलग माइनस टू बाहर, इंटीग्रेशन अप आएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स? एक्स माइनस टू. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ? इट्स एक्चुअली डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अगर मैं वन के ऊपर स्क्वायर रखूंगा तो दिस इज dx upon x square plus a square. That's tan inverse of x by a. That's tan inverse of x by a. x by 1 is वो x, ठीक है, plus integrating constant c. तो आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे किनको, जो हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस होंगे. तो आपको इसको मैं किस में लाना है, पहले आप इसको लाएंगे प्रॉपर में. देखो यहाँ पे तो ऊपर पॉलिनोमियल आए नहीं, लेकिन नीचे डिग्री आ गई 2, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप बोलेंगे इट्स एक्स रेज पावर 0, वैसे तो कुछ है ही नहीं, तो ये इजिली आपके पास क्या आता है, जो आपके पास जो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है लॉन्ग डिवीजन कर लो. इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आगे चलकर, कि हम कैसे, अगर कहीं पे किसी को लॉन्ग डिवीजन में कोई दिक्कत होती है तो हम कैसे विदाउट यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन हम कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे, वो हम कुछ कहीं कहीं पे जो भी क्वेश्चन आएगा, 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको वहां पे वो ट्रिक में बताऊंगा कि किस तरीके से आप जल्दी उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में लाएंगे, ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप डिग्री ऑफ यहाँ पे होगा एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है. नाउ हियर द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. तो भी आप क्या करेंगे, लॉन्ग डिविजन से आप उसको कर लेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे ऐसे, ठीक है. तो दिस वॉज आवर वट द रैशनल फंक्शन, एंड रैशनल फंक्शन के दो टाइप्स, वट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर को हम फिर कैसे लाएंगे. याद रखिए जो पार्शियल फ्रैक्शंस है ना, ये सिर्फ प्रॉपर रैशनल फंक्शंस पे यूज होता है, ये इम्प्रॉपर पे नहीं यूज होता है. इम्प्रॉपर पे यूज कब होगा? इम्प्रॉपर पे पहले आपको उसको लाना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो जाके फिर आप उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में यूज करेंगे. अब यहाँ पे मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ टाइप्स बताऊंगा, उन टाइप्स को आपको ध्यान में रखना है. जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी यहाँ पे मैं टाइप्स रखूंगा देखूंगा आपको दिखाऊंगा ना, तो आप देखेंगे कि जब भी वैसा वाला कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ना, आपने उसको बिल्कुल यही टेक्निक लगानी है जो मैं यहां पे लगाने जा रहा हूं. पहला होगा, अगर क्या होगा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. अब ये फैक्टर्स किस में होने चाहिए? ये होने चाहिए डिनोमिनेटर. किसमें होनी चाहिए? न्यूमरेटर को तो छोड़ो, न्यूमरेटर कुछ भी होगा ना तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं आने वाली. तो पहला है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स अगर होंगे, यानी कि अगर ऐसा केस होगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. अगर ऐसा केस होगा, एफ ऑफ एक्स मैंने ऊपर लिखा, हमने जब पार्शियल फ्रैक्शन को डिफाइन किया था रैशनल फंक्शन को, मैंने लिखा था एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, बाई जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, को मैंने ऐसे ही रखा. ये एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, ये एक्स प्लस वन हो सकता है, ये एक्स हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन हो सकता है, ये एक्स क्यूब माइनस वन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है ये एफ ऑफ एक्स, ठीक है. लेकिन जी ऑफ एक्स में अगर आप देखेंगे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, हियर ए इज वन फैक्टर एंड बी इज वन फैक्टर, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स है. और लीनियर फैक्टर्स का मतलब होगा यहां पे x का पावर 1 है, यहां पे x का पावर 1 है. जब भी आप देखेंगे x का पावर 1 है और यहां पे नॉन रिपीटेड है, यानी कि एक अलग हमारे पास यहां पे रूट है a, यहां पे b है, तो दे आर डिफरेंट, दे आर तो नॉन रिपीटेड. यहां पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ना a रिपीट हो रहा है. अगर यहां पे a होता तो फिर वो x प्लस a का होल स्क्वायर बन जाता, यानी कि वो रिपीटेड में आ जाता, वो मैं दिखाऊंगा. लेकिन यहां पे पहला केस क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. लीनियर है, यहाँ पे x का पावर 1 है, 1 है तो लीनियर हो गया. एंड नॉन रिपीटेड मतलब है यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट रिपीटेड. अगर ऐसा कभी आप देखेंगे, आप उसको करेंगे सीधे a डिवाइडेड बाय x प्लस a में प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस b में लिखेंगे. क्या लिखेंगे? इस पूरे टर्म को लिखेंगे आप, एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस a डिवाइडेड बाय x प्लस b को आप किस फॉर्म में लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस b, ऐसे लिखेंगे. अगर ऐसा देखेंगे, लिखेंगे लेट f ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस a इनटू x प्लस b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस b. इससे क्या होगा,
यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. जब आप ए एंड बी के वैल्यूज निकालेंगे वो फिर आप इसमें रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपकी इंटीग्रेशन बहुत ही इजी होने वाली. जस्ट लाइक दिस, अगर मैं यहां पे कोई एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं दूंगा ऐसे x डिवाइडेड बाय x माइनस वन इंटू x प्लस टू. अगर मैं ऐसे लिखूंगा फॉर एग्जांपल, ऊपर तो आपको देखना नहीं, दिस इज योर f ऑफ x, f ऑफ x इज x, ठीक है, इसको नहीं देखना है. नीचे क्या है, x माइनस वन x प्लस टू. देखो यहां पे लीनियर है, यहां पे लीनियर है, तो आगे लेंगे. यहाँ पे माइनस वन रूट है, यहाँ पे टू है, तो दे आर डिफरेंट. यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे कितना है टू, तो दे आर डिफरेंट, दे आर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, लेट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू को लिखेंगे, ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन पहला, प्लस बी डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स प्लस टू. ठीक है, जब ऐसे करेंगे फिर मैं बोलूंगा आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन में कैसे फिर हमने ए और बी के कैसे वैल्यूज लिखने हैं. ठीक है, तो पहले आप ये देखेंगे लीनियर रिपीटेड फैक्टर, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स में क्या लिखेंगे, ए डिवाइडेड बाय द फर्स्ट प्लस बी डिवाइडेड बाय द सेकंड. ठीक है, दिस वाज आवर फर्स्ट केस. सेकंड केस इज अगर रिपीटेड अब होंगे, क्या होंगे, अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, तब क्या करेंगे. अगर ऐसे होगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी होगा, या x प्लस बी. अगर इस तरीके से होगा, या यहां पे प्लस होगा माइनस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें. यहां पे अब क्या है, एफ ऑफ एक्स कोई भी पॉलीनोमियल होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे जो x माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए है, ये एक्चुअली में है क्या, ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, यानी कि a जो है ये रिपीट हो रहा है, ये वाला क्या हो रहा है, तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स यहां पे आ रहे हैं, और एक डिफरेंट है, और एक डिफरेंट है. मैंने ये डिफरेंट इसलिए साथ रखा है ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने करना है. ठीक है, तब ऐसे केसेस में क्या करेंगे, आप लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए रेज पावर वन. क्या लिखेंगे, x माइनस ए रेज इट पावर वन, दैट्स x माइनस ए, ठीक है, प्लस b डिवाइडेड बाई, फिर लिखेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि लीनियर ही है ना, यहां पे वन है पावर, यहां पे वन है, इसलिए a प्लस a आएगा और b आएगा. ठीक है, प्लस यहां पे एक और है x प्लस b, दैट्स अ लीनियर, प्लस c डिवाइडेड बाई x प्लस b. इस तरीके से आप लिखेंगे अगर क्या होगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे होगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल क्यूब, बस इतना होगा. अब क्या करेंगे, यहां पे रिपीट हो रहा है तीन बार, क्या लिखेंगे, आप करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए रेज पावर वन, तो रेज पावर वन लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लिखेंगे बी डिवाइडेड बाय, फिर आएगा एक्स माइनस ए रेज पावर टू, ठीक है, प्लस फिर लिखेंगे c डिवाइडेड बाय, कहां तक है, x माइनस ए का होल क्यूब, x माइनस ए का होल क्यूब, तो इस तरीके से लिख. और इसके साथ फिर दूसरा होगा x माइनस बी, फिर लिखेंगे प्लस d डिवाइडेड बाय x माइनस बी. इस तरीके से आपने क्या करना है, अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो आपको इस तरीके से उनको सॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल भी दूंगा यहां पर साफ, अगर इस तरीके से क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होगा टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई होगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू. आप क्या करेंगे, लेट करेंगे इस क्वेश्चन को, इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे चूंकि ये रिपीट हो रहा है तो पहले लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, और याद रहे पहले आपको लीनियर देखना है, यहाँ पे डिग्री वन है, यहाँ पे वन है, टू नहीं होनी चाहिए, तब आप नहीं लिखेंगे इस तरीके से. ठीक है, क्या लिखेंगे, ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन रेज पावर वन, दैट्स वन, प्लस बी डिवाइडेड बाई, फिर जाएंगे कहां पे, x माइनस वन रेज पावर टू पे, x माइनस वन रेज पावर टू, प्लस फिर दूसरा अलग वाला प्लस c डिवाइडेड बाई x प्लस टू. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, पुट दोज वैल्यूज हियर, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करो, आपकी इंटीग्रेशन बहुत इजी होने वाली है. ठीक है, तो दिस वॉज आवर केस नंबर सेकेंड. ये मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. थर्ड केस इज अगर अब क्या होंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स क्या होंगे, अगर अब हमारे पास क्या होंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स अगर होंगे,
क्वाड्रेटिक फैक्टर्स विद ए लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर मैं साथ रख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कैसे करना है, ठीक है, विद ए लीनियर फैक्टर। अगर ऐसे होगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पे होगा कोई लीनियर पी एक्स प्लस क्यू। नो सी, इसकी डिग्री वन है तो ये लीनियर बनेगा। फिर यहां पे कुछ क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये एक्स प्लस टू भी हो सकता है, पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, तो ये लीनियर ही बनेगा, रिमेंबर दिस थिंग। तो अगर ऐसा केस होगा जिसमें एक क्वाड्रेटिक होगा और क्या होगा, एक लीनियर होगा, तब उसको कैसे करेंगे? तब आपको लिखना है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर जो क्वाड्रेटिक है इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी, क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक, दैट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हो गया कंप्लीट। लेकिन इसके साथ लीनियर भी है ना, अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक होता तो आप सिर्फ इतना लेते ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वो यहां पे पुट करके हमारी इंटीग्रेशन इजी होगी। लेकिन मैं आपको इस केस में बता रहा हूं, अगर इसके साथ कोई लीनियर भी साथ होगा, डिग्री वन है, तो उसके लिए लीनियर के बाद आपको पता है ए कॉन्स्टेंट आ गया, बी कॉन्स्टेंट आ गया, बी के बाद आप ले सकते हैं फिर सी डिवाइडेड बाई द लीनियर फैक्टर, व्हाट्स द लीनियर फैक्टर, पी एक्स प्लस क्यू। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा होगा अगर आप रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे, क्या होंगे, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स विथ ए लीनियर फैक्टर, विथ ए लीनियर फैक्टर। अब ऐसे अगर केस होगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, फिर होगा पी एक्स प्लस क्यू, यहां पे इसके साथ है लीनियर फैक्टर भी, ठीक है। कैसे करेंगे आप, करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो भी ये पूरी टर्म है, ठीक है, इसको लिखेंगे। अब चूंकि पहला क्वाड्रेटिक है तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड पे क्या लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रेज टू पावर वन, तो वन के लिखने की जरूरत नहीं है, तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर प्लस चूंकि रिपीटेड हो रहा है फिर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, ए आ गया बी आ गया, फिर लिखेंगे सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे रेज पावर वन पहले, ठीक है, फिर लिखेंगे रेज पावर टू जहां तक आपके पास होगा, अगर रेज पावर थ्री होगा, अगर यहाँ पे रेज पावर थ्री होगा तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस चूंकि क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा ए एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, फिर चूंकि ये रिपीट हो रहा है, अगर थ्री होता है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, फिर लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस चूंकि नीचे क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक के लिए आपको लेना पड़ेगा सी एक्स प्लस डी रेज पावर टू, फिर क्या लिखेंगे ई एक्स प्लस एफ, क्या लिखे, अगर क्यूब तक होता, वैसे क्यूब तक तो होता नहीं है, तो लिखेंगे ई एक्स प्लस एफ डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल क्यूब, फिर क्या है, क्योंकि हमारे पास मैंने यहाँ पे सिर्फ दो लिए थे, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स विद ए लीनियर फैक्टर, प्लस पर लिखेंगे, ये तो हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रेज पावर वन, फिर चूंकि टू तक था तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रेज पावर टू, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक लीनियर फैक्टर है ए बी सी डी आ गया, फिर आप ले सकते हैं प्लस ई डिवाइडेड बाई पी एक्स प्लस वन क्यू पी एक्स प्लस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी एंड ई, पुट दोज वैल्यूज हियर, तो आपकी इंटीग्रेशन। वैसे ये जो केस है ये थोड़ा लंबा केस जाता है, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि हम कैसे इसका शॉर्टकट कर लेंगे, लेकिन आपको जो ट्रेडिशनल मेथड है ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमने किस तरीके से क्या क्या कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये हमारा हो गया, इस पे क्या थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑन व्हाट इंटीग्रेशन पे पार्शियल फ्रैक्शन पे, x plus 1 and x plus 2, this is our question number 1 of exercise 7.5, you have to solve this question x divided by x plus 1 into x plus 2, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, नीचे क्या है x into x is x square, ऊपर क्या है x, the new degree of numerator is less than the degree of denominator, आप इसको बोल सकते हैं proper rational function, proper rational function जो है, तो जो भी मैंने आपको दो वो चार पांच पॉइंट्स मैंने बोले थे कि हमने किस तरीके से क्या लेना है, तो आप लेंगे लेट x डिवाइडेड बाय x प्लस वन
इंटू एक्स प्लस टू। देखो ये वाला कौन सा केस बन रहा है, ये हमारा पहला केस बन रहा है जो हमने लिया था, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। क्योंकि यहाँ पे लीनियर है, रेज्ड पावर वन है, रेज्ड पावर वन है, दे आर लीनियर। अब देखते हैं क्या रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है। यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, तो दे आर नॉट रिपीटेड, ठीक है, दे आर नॉन रिपीटेड, ठीक है। तो पहला केस बन रहा है एफ ऑफ एक्स डिवाइड, तो इसको हमने किससे लिखा था, ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखा था, लिखा था कि नहीं लिखा था। तो यहाँ पे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, एक्स का पावर वन है तो लीनियर, एंड दे आर नॉन रिपीटेड, यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है। तो पहला केस, एवर एफ ऑफ एक्स इज एक्स हियर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, लिखा मैंने जो मैंने बोला था आपको। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपने इसको इस तरीके से लिखना है। फिर करना क्या है, मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन आगे चलकर आपको खुद बे खुद समझ आएगा। तो वहां पे आप ये जो मैं नेक्स्ट एक दो स्टेप्स लिखने वाला हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चंस में उसको कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्यों कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले बताऊंगा कि हमने करना क्या है। मैं करूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय जो डिनोमिनेटर है, दैट्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू वी गेट। तो यहां पे क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय क्या है x प्लस वन और x प्लस टू, इसको मल्टीपल किससे करना है, x प्लस वन और x प्लस टू से। इज इक्वल a डिवाइडेड बाय x प्लस वन है, b डिवाइडेड बाय x प्लस टू है, इसको मल्टीपल किससे करना है, x प्लस वन से और x प्लस टू से। सी हियर दिस एंड दिस कैंसिल आउट। अब देखो ये x plus 1, x plus 2, x plus 1, x plus 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वापस वही क्वेश्चन आएगा जो आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन होगा। अब आगे फर्दर जब हम करेंगे तो ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा x is equal, अब इसको मैं अलग मल्टीपल करूंगा इसके साथ, फिर इसको अलग मल्टीपल दूंगा, ये आएगा a into x plus 1 into आएगा this term, तो इसके साथ ये x plus 1 कैंसिल हो जाएगा, a के साथ मल्टीपल जाएगा x plus 2 plus। फिर इसको जब मैं मल्टीपल दूंगा ये टर्म, क्योंकि ये दोनों टर्म्स, इसको भी अलग मल्टीपल हो जाएगी, इसको भी, जब मैं इसको मल्टीपल दूंगा x plus 1 x plus कैंसिल हो जाएगा, a के साथ आएगा x plus 2 plus b divided by x plus 2 into this term, x plus 2 x plus 2 कैंसिल, b के साथ आएगा x plus 1। तो नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1, जब ये आपके पास आएगी नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब किया क्या मैंने एक्चुअली, अब ये चीज कर सकते हैं, जब आप ये लिखेंगे ना तो डायरेक्ट आप लिखेंगे जो न्यूमरेटर है यहाँ पे, व्हाट्स द न्यूमरेटर हियर, एक्स, वही आ रहा है ना हमारे पास, जो मैंने आपको बोला नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप इसको कर सकते हैं, ये जो स्टेप मैंने बताया। तो जो यहाँ पे न्यूमरेटर है एक्स, आप डायरेक्टली एक्स लिखो। फिर ये जो टर्म है ए डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, इसको ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे एल एच में, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, दिमाग में ही कर दो। तो जब मैं इसको मल्टीपल दूंगा तो ये x plus 1 कैंसिल होगा, a के साथ आएगा x plus 2, a के साथ आएगा x plus 2 plus, फिर b डिवाइड बाय x plus 2 को भी मल्टीपल दे दो ये टर्म, तो x plus 2 कैंसिल होगा, तो b के साथ आएगा x plus 1। तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। क्या करना है, जो न्यूमरेटर होगा LHS का वो लिखेंगे, इज इक्वल a into, कुछ इसको क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल दे दे, इसको इसके साथ मल्टीपल दे दे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में फिर ये चीज नहीं होती है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ये गड़बड़ हो जाता है, अगर क्वाड्रेटिक में होगा, रिपीटेड क्वाड्रेटिक में होगा या रिपीटेड लीनियर में होगा, तब दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको ये समझा रहा हूं कि प्रॉपर वे जो है क्या करेंगे, x a डिवाइड बाय x plus 1 को इस टर्म से मल्टीपल दे दो, x plus 1 कैंसिल, इसलिए रहेगा x plus 2, वो a के साथ रखो, b है यहां पे x plus 2 है, इसको मल्टीपल दे दो, x plus 2 कैंसिल, b के साथ आपके पास आएगा x plus 1। हमें क्या करना है, we have to find the values of a and b। फिर आप सबसे पहले करेंगे इस x plus 1 को पुट करो जीरो, पुट x plus 1 is equal to 0, you will get x is equal to minus 1। अब इस x is equal to minus 1 को क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x is equal to minus 1, तो आएगा minus 1 is equal to a into, x को देना है माइनस वन प्लस टू, आएगा माइनस वन प्लस टू, प्लस है फिर यहां पे b इंटू क्या है x प्लस वन, बट x प्लस वन इज जीरो,
तो यह आएगा a इंटू एक्स प्लस वन, बट एक्स प्लस वन किसके बराबर रखा है, जीरो, एक्स का वैल्यू माइनस वन दे दो, माइनस वन प्लस वन इज जीरो, तो b इंटू जीरो इज जीरो, तो दूसरी टर्म जीरो आएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, यह आएगा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस वन इज वन एंड a इंटू वन इज वन, तो a का वैल्यू आएगा माइनस वन, a का वैल्यू क्या आएगा, फिर आप क्या करेंगे, अब मुझे b का वैल्यू करना है, पुट करेंगे पुट x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये जो यहां पे पुट x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यू विल एंड अप विद x इज इक्वल टू माइनस टू, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन, वी गेट, तो यहां पे x का वैल्यू माइनस टू, तो आएगा माइनस टू इज इक्वल टू, फिर a इंटू एक्स प्लस टू है, बट x प्लस टू किसके बराबर है, जीरो के बराबर, तो ये बनेगा a इंटू जीरो, दैट इज जीरो, लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी टर्म जीरो बनेगी, फिर जीरो प्लस बनेगा b इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस टू प्लस वन, जाएगा माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी, तो यू विल एंड अप विद b इज इक्वल टू टू, आ गया हमारे पास a का भी वैल्यू, आ गया हमारे पास b का भी वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहां पे अब आपको अब इंटीग्रेशन जो है वो मैं दिखाना चाहूंगा कि हम किस तरीके से करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, बात समझ आ रही है, मैं इसको शॉर्टकट भी बताऊंगा किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। तो देयरफॉर व्हाट वाज अवर इंटीग्रल, x डिवाइडेड बाय x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रल तो है लिखा इंटीग्रल, लेकिन ये जो x डिवाइड बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू मैंने लिखा था a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, इसको मैंने लिखा इस फॉर्म में, याद रहे। तो इंटेग्रल जो अंदर है ये x डिवाइड, वो इस फॉर्म में लिखा था, वो मैंने लिखा था a, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a, माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, प्लस b, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ b, टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, इसको आप फिर इस तरीके से लिखिए, क्योंकि ये जो पार्ट है इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा था, पुट द वैल्यू ऑफ ए हियर, पुट द वैल्यू ऑफ बी हियर, तो आपके पास ये चीज आएगी, आप फिर इसको लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, माइनस साइन बाहर आएगा, वन इंटू डी एक्स आएगा, तो आएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, अलग अलग इंटीग्रेशन करूंगा, प्लस टू बाहर आएगा, तो ये बनेगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस, तो बाकी आप कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, जो है इसका आंसर वाज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, मैं यहां पे इसको लिखना चाहूंगा, इधर जाएंगे, वाज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, दैट्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, बट बाहर माइनस साइन है, प्लस टू, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉस टू सी, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स होता है बराबर लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स होता है, तो आपकी मर्जी है मॉड ले दो या नहीं ले दो, तो यह तो है लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये क्या कब लेते, जब यहां पर एक्स का पावर वन होगा, जब लीनियर होगा, यहां पर भी एक्स का पावर वन है, यहां पर भी एक्स का पावर वन है, तो आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, फिर हम लेते हैं डिवाइडेड बाई द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वन, और x की डिफरेंशिएशन है 1, 1 की होगी 0, तो डिवाइड बाय 1 आएगा, तो वो एक ही बात है, डिवाइड 1 कर लो तो वो वापस वही चीज आएगी, यहां पे भी डिवाइड बाय आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2, तो x का x की डिफरेंशिएशन आएगी 1, डिवाइडेड बाय 1 लिखेंगे, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 1 इज वही चीज आएगी, ठीक है। तो आप इसको फर्दर फिर लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू वट, यहां पे आप लगा सकते हैं ये वाली फॉर्मूला, एन लॉग ऑफ एम, दैट इज लॉग ऑफ एम रेज्ड पावर एन, इसके बदले में पहले लिखूंगा वो आएगा log of x plus 2 raised power 2, this n log, this is m, this log of m raised power n, n is 2, minus a log of x plus 1, plus integrating constants here, यहां पे बन गया log of m minus log of n, there is log of m by n, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं फिर log of, what's m, x प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट्स एन, इट्स x प्लस वन प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.5, एंड दिस मेथड इज द ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। तो जब भी आपका आपको लगेगा ना कि दैट द क्वेश्चन कैरीज हाउ मेनी मार्क्स, इट कैरीज 5 मार्क्स,
तो आप इसी मेथड से उसको करेंगे, ठीक है. बट वट इफ ए क्वेश्चन कैरीज हाउ मेनी मार्क्स, टू मार्क्स, थ्री मार्क्स, देन गो फॉर द अनदर वे. आई एम गोइंग टू शो दैट द शॉर्टकट मेथड कि किस तरीके से हम जल्दी फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व. मैं इसका आंसर यहीं पे रखना चाहूंगा, मैं देखूंगा कि शॉर्टकट मेथड से यही आता है कि नहीं आता है, ठीक है. तो व्हाट वाज आवर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ये था, यू हैव टू इंटीग्रेट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू. वो था ट्रेडिशनल मेथड, नाउ सी द शॉर्टकट मेथड. करना क्या है, ये जो एक्स प्लस वन है ना, इसको पुट करो जीरो. व्हाट्स द वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. ये एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ऐसे लिखेंगे, जहां जहां पे भी एक्स है उधर दे दो, बट एक्सेप्ट हियर. एक्स का वैल्यू माइनस वन है, दे दो माइनस वन डिवाइडेड बाई. यहां पे अगर आप एक्स इज इक्वल टू माइनस वन नहीं देना, जो पुट कर रहे हो ना उसमें नहीं देना, बिकॉज अगर आप यहां पे माइनस वन दोगे वो बनेगा डिनोमिनेटर जीरो, इसमें नहीं देना है. फिर जो नेक्स्ट टर्म है उसमें दे दो. यहां पे क्या है, एक्स को क्या देना है, माइनस वन प्लस टू. होल डिवाइड करना है वही टर्म जो पहली है, दैट्स प्लस होल डिवाइडेड बाय आएगा एक्स प्लस वन, जो इसको हम जीरो पुट कर रहे हैं होल डिवाइड आएगा वही. फिर लिखेंगे बीच में प्लस, क्या लिखेंगे, फिर एक्स प्लस टू को पुट करो जीरो, यू विल एंड अप विद एक्स इज इक्वल टू माइनस टू. पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू हियर, आएगा माइनस टू डिवाइडेड बाय, यहां पे एक्स इज इक्वल टू माइनस टू दे दो, आएगा माइनस टू प्लस वन. यहां पे एक्स इज इक्वल टू माइनस टू नहीं देना, याद रखे जिसको आप पुट जीरो कर रहे हैं उसमें नहीं देना है, ठीक है. होल डिवाइडेड बाय आएगा वही टर्म, दैट्स एक्स प्लस टू. फिर लिखेंगे डीएक्स, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे. व्हाट्स दिस माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस टू इज वन, तो माइनस वन डिवाइडेड बाय वन इज माइनस वन, तो आएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस. दिस इज माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन. This is minus 2 by minus 1. Yeah, I got minus 2 by minus 1. Minus minus cancel. This is 2 by 1 is 2. Divided by I got x plus 2. Dx. Minus sign. Bahar le lo. Yeah, I got dx upon x plus 1. Plus 2. Bahar le lo. This is integral of dx upon x plus 2. Was integrate. Why I got minus sign. Bahar. Dx upon x plus 1 is log of x plus 1. प्लस टू बाहर, dx अपॉन x प्लस टू इज लॉग ऑफ x प्लस टू प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट्स, ठीक है. वही इंटीग्रेशन आ गई जो हमने अभी की थी. तो इसको आप लिखेंगे कैसे, n log m, तो आएगा log ऑफ m रेज्ड पावर n, दैट्स x प्लस टू का होल स्क्वायर, माइनस है ये टर्म log ऑफ x प्लस वन, ठीक है. यहां पे मैंने क्या किया, n log m इज इक्वल टू log ऑफ m रेज्ड पावर n, ठीक है. तो यहां पे फिर आप लिख सकते हैं log m माइनस log n, दैट्स log ऑफ m बाय n, दिस x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c. देखो यही हमारे पास आ गया था. तो दिस इज द शॉर्टकट वे, दिस इज द, एंड इफ इट कैरीज टू मार्क्स और थ्री मार्क्स, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है. क्या कर रहे हैं, x प्लस 1 को जीरो करेंगे पुट, वो वैल्यू यहां पे न्यूमरेटर में भी देंगे डिनोमिनेटर में भी देंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में जिसको आप पुट कर रहे हैं जीरो उसमें नहीं देना है, यानी कि x प्लस वन में नहीं देना है, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें दे सकते हो, ठीक है. मैं फर्दर भी आगे जो क्वेश्चन है उनमें भी दिखाऊंगा शॉर्टकट मेथड किस तरीके से हम करेंगे. तो दिस इज द वे कि अगर जल्दी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन. हाँ, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट्स आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड इज वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस नाइन. अब आई थिंक इट्स प्रीटी इजी, पता नहीं इन्होंने क्यों दिया ये क्वेश्चन यहाँ पे. एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर ले सकते हैं डीएक्स, तो ये हमारा वो केस बन गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट्स वन बाई टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी. आप इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हो, that's 1 by 2 a 2 into a is 3 log of mod of x minus a, that's x minus 3 divided by x plus a x plus 3 plus integrating constant c. question hamara solve ho gaya, theek hai. to ye zyada difficult tha hi nahi, ye purana jo tha hamara jo humne kiya tha us tarike se tha. to moving towards question number 3, 3x minus 1, and you have to integrate 3x minus 1 divided by x minus 1, x minus 2, x minus 3.
मैं पहले शॉर्टकट दिखाऊंगा ताकि अभी मैंने शॉर्टकट दिखाया इसलिए मैं पहले शॉर्टकट दिखाऊंगा फिर ट्रेडिशनल मेथड से भी करेंगे. क्या करना है, पुट करना है x माइनस वन को जीरो, यू विल एंड अप विद x इज इक्वल टू वन. तो हम इस इंटीग्रल को ऐसे लिखेंगे, जहां जहां x है उधर दे दो वन. देखो थ्री इंटू वन, थ्री वन जा थ्री, थ्री माइनस वन इज टू डिवाइडेड बाई, इसमें नहीं देना है बिकॉज x माइनस वन है जीरो. अब इन दोनों में आप x का वैल्यू दे सकते हो, यह आएगा वन माइनस टू इज माइनस वन, यह आएगा वन माइनस थ्री इज माइनस टू, होल डिवाइडेड बाय आएगा जो पुट हमने किया है, दैट्स होल डिवाइडेड बाय आएगा x माइनस प्लस. फिर क्या लिखेंगे आप, हमेशा प्लस. फिर x माइनस टू को करो जीरो, यू विल एंड अप विद x इज इक्वल टू टू, दे दो x इज इक्वल टू टू. यहां पे थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस वन इज फाइव, सिक्स माइनस वन इज फाइव. यहां पे टू दे दो, टू माइनस वन इज वन. यहां पे टू, यहां पे नहीं दे सकते बिकॉज एक्स माइनस टू है जीरो, यहां पे नहीं देना है, यहां पे देना है टू, देना है टू माइनस थ्री डेट्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई जो हमने पुट किया है, व्हाट पुट किया था एक्स माइनस टू. अब एक्स माइनस थ्री को करो बराबर जीरो, तो आपके पास आएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री. पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री हियर, थ्री थ्री आर नाइन, नाइन माइनस वन इज एट. x को दे दो यहां पे वैल्यू थ्री, थ्री माइनस वन इज टू, यहां पे थ्री दे दो, थ्री माइनस टू इज वन. यहां पे नहीं देना है याद रखे बिकॉज ये बनेगा थ्री माइनस थ्री जीरो, ठीक है. तो यहां पे आपको ये वैल्यू नहीं देना है, होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा जो हमारे पास है थर्ड टर्म, दैट्स x माइनस थ्री, और क्या लिखेंगे dx लिखेंगे. तो हमारे पास जो है क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है. आप इस तरीके से फिर इसको लिख सकते हैं, इंटेग्रल ऑफ this is 2 minus minus plus, remember minus minus plus, 2 1s are 2, 2 2 cancel, upar aayega 1 upon x minus 1. Isko bas aapko alag simplify karna hai, ye jo things hai isko alag se simplify karna hai, whole divided by ye, isko alag se simplify karna hai, whole divided by ye. Phir kya hai, plus hai, phir minus plus minus, 5 upon minus 1 is, ye aayega 5 upon minus 1, that's minus 5. Isko aap kya likhenge, माइनस फाइव, क्योंकि प्लस है यहां पे, तो ये बनेगा माइनस फाइव अपॉन आएगा एक्स माइनस टू, फिर प्लस टू वन जा टू, टू फोर जा एट, तो यहां पे बनेगा फोर डिवाइडेड बाय आएगा एक्स माइनस थ्री, और क्या आएगा डी एक्स. इंटीग्रेशन अब इजी है तो आप इसको कर सकते हैं. अब इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, यहां पर लिखूंगा, तो इसको अलग ले लो, इंटीग्रल ऑफ वन अपन एक्स माइनस वन इज लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, माइनस फाइव अपनी जगह पे, जब आप माइनस फाइव बाहर लेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस टू डेट लॉग ऑफ एक्स माइनस टू, प्लस फोर बाहर अपनी जगह पे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी. तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप इज योर आंसर, ठीक है. दिस इज वॉट the shortcut way to solve this type of question. तो अब इसको हम जाएंगे किस पे, traditional method पे जाएंगे इसको question को solve करने के लिए. तो मैं दिखाऊंगा आपको traditional way भी कि किस तरीके से हम इसको solve कर पाएंगे. And फिर आप इसको क्या करेंगे, compare answers कर लेना. हम करेंगे let, यहाँ पे देखो x x x dash x cube, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज वन, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इट बिकम्स अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन. तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, लेट थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, इज इक्वल टू क्या करेंगे, दे आर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, वन टू थ्री, है ना. तो दे आर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तो पहला केस हो जाएगा, इसको आप करेंगे ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, ऐसे लेंगे. फिर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय क्या करेंगे, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, जो मैंने क्वेश्चन नंबर वन में बोला है. फिर मैंने डायरेक्टली बोला था आप लिखेंगे क्या है, जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो लिखेंगे थ्री एक्स माइनस वन, फिर लिखेंगे ए, इस टर्म को मल्टीपल दे दो पहले इसके साथ, तो यहाँ पे x माइनस वन है ना, तो ये x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ रहेगा सिर्फ x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, a के साथ रहेगा x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, फिर है प्लस b,
अब इस टर्म को भी इस पूरी टर्म से मल्टीपल दे दो, यहां पे x माइनस टू, एक्स माइनस टू कैंसिल होगा तो b के साथ रहेगा x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री प्लस सी, सी को भी यही मल्टीपल दे दो, एक्स माइनस थ्री कैंसिल होगा तो यह आएगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, सी के साथ आएगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, नेम्ड सेज इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कैसे मल्टीपल करना है भाई, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द जो टर्म है, फिर उनको कैंसिल होके फिर यही चीज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, बस अब क्या करना है, पुट करेंगे पहले x माइनस वन को जीरो, यू विल एंड अप विद x इज इक्वल टू वन। इस वन को कहां करना है, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, वी गेट दे दो फर्स्ट में, x को क्या देना है वैल्यू वन, 3 into 1 is 3, 3 minus 1 is 2, ऐसे करो, तो स्टेप्स ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यही पे करो, 3 1 जा 3, 3 minus 1 is 2 is equal to a, x का वैल्यू कितना है 1, 1 minus 2 is minus 1, x का वैल्यू है 1, 1 minus 3 is plus b, लेकिन यहां पे है x minus 1, but x minus 1 is 0, x माइनस वन इज, तो ये पूरी टर्म ये बनेगा जीरो, ये तो नहीं बनेगा बट जीरो इनटू समथिंग जीरो बनेगा जीरो प्लस सी, यहां पे भी है x माइनस वन बट x माइनस वन इज जीरो, या x का वैल्यू वन दे दो, यहां पे वन माइनस वन जीरो, यहां पे वन माइनस वन जीरो, ये टर्म भी जीरो बनेगी, ये टर्म भी जीरो बनेगी। ठीक है, तो सी इंटू जीरो, ये दो टर्म जब जीरो आएंगी तो मेरे किसी काम की है नहीं है, तो इसको हम रब कर सकते हैं, तो यू विल इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ a हियर, 2 is equal to minus minus plus, it becomes 2a, a is equal to 1, आ गया हमारे पास a is equal to, फिर आप क्या करेंगे, next आप जाएंगे, put x minus 2 is equal to 0, you will end up with x is equal to 2, अब x is equal to 2 को किस में रखेंगे, put this in first, किस में रखेंगे, equation number 1, ये, 2 दे दो, 3 2 जा 6, 6 minus 1 is 5, x माइनस टू यहां पे है जिगर बट x माइनस टू है जीरो, तो ये टर्म बनेगी जीरो, यहां पे x माइनस टू है नहीं है तो यहां पे आप दे सकते हैं b इंटू x का वैल्यू है टू, टू माइनस वन इज वन, x का वैल्यू है टू, टू माइनस थ्री इज माइनस वन, क्योंकि यहां पे c जो टर्म है इसमें भी जब आप x का वैल्यू टू देंगे तो टू माइनस टू जीरो है तो ये टर्म जीरो बनेगी, तो आपके पास सिर्फ एक टर्म रहेगी, तो यह आएगा माइनस बी इज इक्वल टू फाइव, it implies b is equal to minus 5, आ गया a का वैल्यू, b का वैल्यू, और क्या करना है, c का वैल्यू पुट करना है, हमें c का वैल्यू फाइंड करना है, पुट करेंगे x minus 3 is equal to 0, you will end up with x is equal to 3, put in first, put this in किस में, first, दे दो, 3 3s are 9, 9 minus 1 is 8, is equal, x को यहां पे जब आप 3 देंगे 3 minus 3 is 0, term बनेगी 0, जब आप x को यहां पे देंगे 3, 3 minus 3 is 0, ये term 0, तो आपके पास सिर्फ एक रहेगी term, c into x का value है कितना 3, 3 minus 1 is 2, यहां पे 3 minus 2 is 1, you will end up with 8 is equal to 2c, implies c is equal to 8 by 2, that is c is equal to 4, c is equal to, आ गया a का भी वैल्यू, आ गया b का भी वैल्यू, आ गया c का भी वैल्यू, अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो करना बहुत इजी है, मैं इसको रब करना चाहूंगा, इसको भी रब करना चाहूंगा, मुझे सिर्फ a b का वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास क्या था, तो therefore that our integral क्या था, therefore our integral is this, 3x minus 1 divided by what, x minus 1, x minus 2 एंड x माइनस थ्री डी एक्स। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं इंटेग्रल अपनी जगह पे, दिस 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये रहा ये टर्म, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसको मैंने किस फॉर्म में लिखा था, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a, दैट्स 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस, फिर लिखा था मैंने b, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ b, दैट्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय आएगा x माइनस 2, एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ c, दैट्स 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 होल dx आएगा, तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं, आएगा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x माइनस 1
माइनस फाइव को बाहर ले दो आएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है, प्लस फोर को बाहर ले दो आएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब इसके इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, दिस इज लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है, दिस इज लॉग ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई वन लिखने की जरूरत नहीं, माइनस फाइव दिस इज लॉग ऑफ एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाई वन आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस फोर दिस इज लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते द ट्रेडिशनल वे और शॉर्टकट को मैंने दिखाया, दोनों आंसर को कंपेयर करेंगे तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा। Okay, what is question number four? And I am leaving question number four to you people. Yes, x divided by x minus 1, x minus 2, x minus 3. Bahut easy hai. Shortcut method se bhi kar lo. Hai na? Put x minus 1 is equal to 0, wo 1 yahan de do, 1 de do, yahan de do, yahan de do. X minus 2 ko 0 karo, 2 ka value aayega, wo 2 yahan de do, yahan de do, yahan de do. X minus 3 aayega 0. तो एक्स का वैल्यू आएगा थ्री, यहां दे दो थ्री, यहां पे दे दो थ्री, यहां पे दे दो थ्री, तो यू विल एंड अप विद दिस क्वेश्चन। और ट्रेडिशनल मेथड से भी इसको आप कर सकते, क्या करेंगे, लेट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, क्योंकि लीनियर नॉन रिपीटेड है, लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे न्यूमरेटर है एक्स इज इक्वल ए के साथ क्या है एक्स माइनस वन, ये एक्स माइनस वन कैंसिल होगा, ए के साथ आएगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, प्लस बी के साथ एक्स माइनस टू है एक्स माइनस टू कैंसिल होगा, जो दो टर्म्स है वो बी के साथ रखो एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, फिर प्लस सी, सी के साथ एक्स माइनस थ्री कैंसिल होगा, जो दो टर्म्स है वो इसके साथ रखो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, फिर एक्स माइनस वन को करो जीरो तो आपको ए का वैल्यू मिलेगा, फिर एक्स माइनस टू को करो जीरो आपको बी का वैल्यू मिलेगा, एक्स माइनस थ्री को करो जीरो तो आपको सी का वैल्यू मिलेगा, पुट दोज वैल्यूज हियर, फिर अलग अलग इंटीग्रेट करो तो आपके पास आंसर बहुत इजी आएगा। इसमें भी हमने वो जो क्वेश्चन किया था लेट वाज बिल्कुल ऐसा ही था, तो आप इसको कर सकते। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट्स क्वेश्चन नंबर फाइव हियर, इट्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इज 3x plus 2। अब यहां पे देखो the degree of numerator is less than the degree of denominator, proper rational function, but नीचे quadratic है ना, तो मैंने बोला था अगर ऐसे होगा f of x upon ax square plus bx plus c, अगर quadratic होगा उसके लिए आपको लेना पड़ता है ax plus b divided by the quadratic, find the value of a and b, आप integration पे easily हो जाए। बट ये इसको करने से पहले जो आपके पास नीचे ये क्वाड्रेटिक टर्म होगी, पहले देखो कहीं ये स्प्लिट तो नहीं हो जाएगी, अगर स्प्लिट होगी वेल एंड गुड, तो वो लीनियर में कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी, अगर नहीं होगी तो जाके आप इस तरीके से ले सकते। नाउ सी हियर, मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ टू एक्स अपॉन, इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू, सी टू एक्स प्लस एक्स इज थ्री एक्स, 2x into x is 2x square, तो आएगा इसका मल्टीपल 2x square, split हो गया, मैं इसको लिख सकता हूँ 2x upon, इसको मैं लिख सकता हूँ फिर x plus 1 into x plus 2, लिख सकता हूँ, easily लिख सकता हूँ, x into x is x square आ गया x square, यह आएगा 2x plus x is 3x, 1 into 2 is 2, तो आपके पास ही, तो ये जो quadratic था ना, ये अब convert हो गया linear में, किसमें हो गया, तो आप अभी तक तो हमने जो लीनियर क्वेश्चन किए वो तो ये तो वही है, ये तो इजीली अब हो सकता है, या तो शॉर्टकट मेथड से कर लो। शॉर्टकट मेथड में कैसे करेंगे आप, पुट करेंगे क्या x प्लस वन को करो जीरो, यू विल एंड अप विद x इज इक्वल टू माइनस वन, तो हमारे पास इंटीग्रल ये आएगा, इंटीग्रल ऑफ x को दे दो माइनस वन, टू इंटू माइनस वन इज माइनस टू डिवाइडेड बाई, इसमें नहीं देना x इज इक्वल टू माइनस वन, इसमें दे दो माइनस वन प्लस टू इज वन, होल डिवाइडेड बाय आएगा यही टर्म पहली x प्लस वन, फिर प्लस x प्लस टू को करो जीरो, यू विल एंड अप विद x इज इक्वल टू माइनस टू, दे दो माइनस टू यहाँ पे, टू इंटू माइनस टू इज माइनस फोर डिवाइडेड बाय x को दे दो माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन,
यहां पे नहीं देना है माइनस टू, होल डिवाइडेड बाय आएगा x प्लस टू और क्या आएगा dx है। आप इसको फिर लिख सकते हैं फर्दर ऐसे, इंटेग्रल ऑफ इस माइनस टू डिवाइडेड बाय वन इस माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस वन dx अलग देंगे प्लस माइनस माइनस कैंसल, फोर डिवाइडेड बाय वन इज फोर डिवाइडेड बाय x प्लस टू dx। आप इसको अलग अलग भी दे सकते हैं इंटीग्रल ऐसा, पहले तो मैंने बस एक स्टेप खा लिया इसमें, इसको अलग इंटीग्रेट देना है, इसको अलग इंटीग्रेट देना है, माइनस टू बाहर तो आएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन तो ये आएगा प्लस फोर, बाहर तो आएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू बाहर आएगा माइनस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन आएगा प्लस फोर लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी दैट दिस इज द सोल्यूशन। फर्दर भी आप कर सकते हैं एन लॉग एम अगर कोई लगाना चाहेंगे, यहाँ पे भी एन लॉग एम फिर लॉग ऑफ एम बाई एन ले सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या यहां तक ही छोड़ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो ये तो हो गया इसका शॉर्टकट मेथड, और बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी आपको मैं बताना चाहूंगा ट्रेडिशनल मेथड कैसे करेंगे। हमारा ये क्वेश्चन था वो इसमें कन्वर्ट हो गया, लिखेंगे लेट टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, अब उसमें नहीं लेना है क्वाड्रेटिक में चूंकि ये लीनियर में हो गया, लिखेंगे ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा 2x आएगा बराबर a इंटू, जब आप इसको मल्टीपल करेंगे इसके साथ x प्लस वन x प्लस कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ x प्लस टू रहेगा प्लस b है x प्लस टू कैंसिल, b के साथ रहेगा x प्लस वन, तो फिर x प्लस वन को करो जीरो फिर तो आपको a का वैल्यू मिलेगा, x प्लस टू को करो जीरो तो आपको b का वैल्यू मिलेगा, वो यहाँ पे रख दो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वॉज अवर व्हाट क्वेश्चन नंबर फाइव। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये दिस वाज द इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था ऑन द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल जैसे ये क्वेश्चन है, जितने भी टेक्निक्स हमने पढ़े ना अभी तक तो ये उनसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें यही देखना है, तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास कहीं पे इम्प्रॉपर तो नहीं आ गया। अब देखेंगे अगर फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जाएंगे कि अगर फर्दर हमारे पास क्या आ गया इम्प्रॉपर कोई रैशनल फंक्शन आता है तो हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज। ट्राई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो लीनियर होंगे, जिसमें जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, किसमें डिनोमिनेटर में, तो कोई भी क्वेश्चन आप उठा ले कहीं से भी किसी भी बुक से उठा ले, फिर उसको शॉर्टकट मेथड से भी करने की कोशिश करें और ट्रेडिशनल वे जो है इसका उससे भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टेल मी कि आपको वो क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।